नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के यूपीएससी आईएएस के लिए जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है दृष्टि आईएएस के 24 नंबर के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है दृष्टि आईएएस के 23 नंबर के टेस्ट पेपर तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसके वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। आप लोग जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बेसिकली दृष्टि आईएएस के टोटल 25 टेस्ट पेपर हैं। आज जो है 24 हो जाएगा, कल जो है 25 नंबर के टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग विजन आईएएस के और फोरम आईएएस के टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 24 नंबर का टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर एक के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, बौद्ध जातकों के संदर्भ में गंत तिंदु जातक निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? ए ऑप्शन में है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के जीवन का वर्णन करता है, या एक व्यापारी की दूर देशों की यात्रा का वर्णन करता है, या फिर एक धर्मी शासन के गुणों का वर्णन करता है, या फिर एक दुष्ट राजा की प्रजा की दुर्दशा का वर्णन करता है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चार में देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, एक दुष्ट राजा की प्रजा की दुर्दशा का वर्णन करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो पहले समझ लेते हैं ये जो है जातक है, ये बौद्ध जातक ये होता क्या है। तो जातक जो होता है वो बौद्ध कथाओं का एक संग्रह है जो बुद्ध के पूर्व जीवन का वर्णन करता है। ये कथाएँ अक्सर जो है लघु कथाएँ होती हैं जो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति पूर्व के जीवन की कथाएं हमें बताती हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि ये जातक होता क्या है। ठीक है, और जहां तक जो है गंत तिंदु जातक के बारे में बात की जाए तो इसके नाम से जाने जाने वाली एक कहानी काफी प्रसिद्ध है यहाँ पे कि एक दुष्ट राजा की प्रजा की दुर्दशा का वर्णन किया गया है इसमें गंत तिंदु जातक के तहत। और इसमें जो है वृद्ध महिलाएं और पुरुष, किसान, चरवाहे, गांव के बालक, यहां तक कि पशु भी सम्मिलित किए गए हैं इस कहानी में। और जब राजा यह जानने के लिए भेष बदल कर गया कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है, तो उसमें से प्रत्येक ने राजा को अपने दुखों के लिए कोसा और उसे बताया कि उन पर जो है रात में लुटेरे जो होते हैं उन्होंने जो है कर वसूलने के लिए जो है हमला किया, और इस स्थिति से बचने के लिए लोग अपना गांव छोड़कर वनों में रहने लग गए। तो वहां पे जो है कहा जा सकता है कि एक जो है दुष्ट राजा की प्रजा की जो है दुर्दशा का वर्णन किया गया है इसमें, इसलिए डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चहुदड़ो लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनका बनाना, शंख काटना, धातु का काम करना, मुहर बनाना और वजन हेतु बट्टे बनाना शामिल था। दूसरा कथन है कि वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली एक अनूठी विशेषता थी जो अन्य सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में नहीं पाई जाती थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दूसरे में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा भी यहाँ पे सही है। जो वृहद स्नानागार था इसकी खोज जो है 1920 के दशक में सिंधु सभ्यता के मुख्य केंद्रों में से एक जो था मोहनजोदड़ो, वहाँ पे खुदाई के दौरान इस स्नानागार की खोज की गई 1920 में। इसके अलावा जो पहला स्टेटमेंट है तो ये तो सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही जवाब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानसोल्लास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है जो है मानसोल्लास के संदर्भ में, पहला कथन है यह छठी शताब्दी का कल्याणी के चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। दूसरा कथन है यह राजनीति से लेकर प्रशासन, शिक्षा से लेकर मनोरंजन और ललित कला तक जो है विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे तीसरे में देखा जाए तो ये जो ग्रंथ के संदर्भ में कहा जा रहा है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पहला कथन है कि यहाँ पे जो छठी शताब्दी का जो कल्याणी के चालुक्य राजा थे सोमेश्वर तृतीय, उनके द्वारा लिखा गया
ग्रंथ है ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो है कल्याणी के नहीं, पश्चिमी जो चालुक्य राजा थे, पश्चिमी चालुक्य राजा भूलोक मल्ल सोमेश्वर तृतीय थे, उनके द्वारा ये जो है ग्रंथ लिखा गया था। और यहाँ पे कहा जाए और इन्होंने जो है 11वीं शताब्दी में जो है कर्नाटक क्षेत्र पर शासन किया, तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट के लिए बात की जाए तो मानसुल्लास, जिसे जो है लेखक जगदाचार पुस्तक भी कहा जाता है, जिसे जो है लेखक ने जगदाचार पुस्तक भी कहा है, किसको, मानसुल्लास को। और यह ग्रंथ जो है राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, मनोरंजन, ललित कला तथा संगीत के सूक्ष्म जो विवरण है उनको जो है इसमें समाहित किया गया है और उनकी जो है अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालती है। तो यहाँ पे कहा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, तिरुकुरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है तिरुकुरल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित एक शास्त्रीय तमिल ग्रंथ है। दूसरा कथन है तिरुकुरल संगम साहित्य का एक भाग है। तीसरा कथन है तिरुकुरल का जो कामम खंड युद्ध से संबंधित नियमों को बताता है। तिरुकुरल का कामम खंड युद्ध से संबंधित नियमों को बताता है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए, पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे चौथे में पूछा गया है कि कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए, पहले ऑप्शन में दिया गया है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो तिरुकुरल है, ये जो है तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित एक शास्त्रीय तमिल ग्रंथ है, जबकि ये 6वीं शताब्दी में लिखा गया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला है दूसरा नंबर का स्टेटमेंट, तो दूसरा नंबर का स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसके अलावा तीसरा नंबर का स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे गलत है। इसके तहत जो है 10 दोहों के 133 खंडों को 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। पहली पुस्तक का नाम है आरंभ, जिसे सदाचार भी कहा जाता है। दूसरी पुस्तक का नाम है पोरुल, जिसे जो है शासन और समाज कहा जाता है। और तीसरी पुस्तक का नाम है कामम, जिसके तहत प्रेम का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला खंड जो है ईश्वर की स्तुति, वर्षा, त्याग और सदाचार के जीवन से शुरू होता है। और इसके अलावा जो पोरुल खंड है एक आदर्श राज की छवि प्रस्तुत करता है। वहीं देखा जाए तो कामम खंड है वह जो है गुप्त प्रेम और जो है वैवाहिक प्रेम दोनों को जो है संबोधित करता है, जिसे जो है पति और पत्नी के बीच संवाद के रूप में लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो आप केवल एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, एक नाभिकीय संयंत्र अपनी क्रांतिक अवस्था में पहुँचता है जब जो है संयंत्र के अंदर नाभिकीय ईंधन विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखता है, तब जो है एक नाभिकीय संयंत्र जो है अपनी क्रांतिक अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है क्रांतिकता होती है जो वो एक नाभिकीय संयंत्र की समान परिचालन अवस्था होती है, और क्रांतिकता के दौरान जो है रिसाव या अवशोषण द्वारा प्रयुक्त न्यूट्रॉन की भरपाई के लिए विखंडन द्वारा पर्याप्त न्यूट्रॉन बनाए जाते हैं, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉन की संख्या जो है स्थिर रहे। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छठवां, हेपेटाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह केवल यकृदनुवर्ती नामक विषाणु के कारण होता है। दूसरा कथन है कि हेपेटाइटिस बी आमतौर पर जन्म के दौरान और बचपन में माँ से बच्चे में फैलता है। तीसरा कथन है कि वर्तमान में हेपेटाइटिस सी के खिलाफ कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए पहले कथन के बारे में, तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि जिसे जो है विषाणु का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसकी जगह होना चाहिए यकृत निर्देशित जो वायरस है उसके कारण जो है ये जो है हेपेटाइटिस होता है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है तो यहाँ पे ये जो है सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट है तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, क्योंकि अभी तक जो है कोई इसके लिए प्रभावी टीका नहीं बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे
तीसरा सही है। तो केवल दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सातवां, हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 75/25 पहल संबंधित है। तो सातवें में देखा जाए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अपनी महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है जिसका नाम है 75/25। यह जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के माध्यम से वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों को जो है मानक देखभाल पर रखा जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले रोगों को मानक देखभाल प्रदान किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठवां, जल के भीतर ध्वनि के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ध्वनि प्रकाश की तुलना में बहुत धीमी गति से यात्रा करती है लेकिन यह प्रकाश की तुलना में बहुत दूर तक यात्रा कर सकती है। दूसरा कथन है कि जल के अंदर ध्वनि की चाल वायु में इसकी चाल से काफ़ी अधिक होती है। तो उपर्युक्त में से जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो आठवें में देखा जाए तो ध्वनि जो है जल के माध्यम से प्रकाश की तुलना में बहुत धीमी गति से यात्रा करती है लेकिन बहुत दूर तक यात्रा कर सकती है और इसलिए इसका उपयोग जो है महासागरों में सुदूर संवेदन और संचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौवां, प्राचीन भारत में मत्स्यवन और जो है सत्वाह पदों का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए नौवे का तो इनका प्रयोग जो है सफल व्यापारी के संदर्भ में किया जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दसवां, दसवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मधुर कवि, दूसरा है अंडाल, तीसरा है अपार, चौथा है राइकल जो है अमैयार। तो उपर्युक्त में से कितने जो है अलवार संत हैं। तो यहाँ पे दसवें में देखा जाए तो 12 जो है अलवार संतों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिनमें से देखा जाए तो कौन कौन सा है, दूसरा सही है और जो है एक जो है मधुर कवि सही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पालघाट दर्रा उत्तर में अन्नामलाई पहाड़ियों और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों से घिरा है। दूसरा कथन है कि कर्नाटका में यरकौड़ पठार में व्यापक बॉक्साइट निक्षेप है। तीसरा कथन है जवादी और जो है सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं तथा पूर्वी घाट का विस्तार है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं। तो जो पालघाट दर्रा है ये पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है, यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों तथा दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है और यह लगभग 32 किमी चौड़ा तथा केरल तमिलनाडु सीमा तक विस्तृत है, जो दोनों राज्यों के बीच एक जो है प्रमुख संचार मार्ग का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है दूसरा कथन है तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, यहाँ पे बॉक्साइट के निक्षेप है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है सही है। और वर्ष 1845 में जो है यहाँ पे अंग्रेजों ने जो है यरकौड़ में एक हिल स्टेशन की जो है स्थापना की, जो अब एक जो है रिजॉर्ट और जो है शैक्षिक केंद्र के रूप में स्थापित है। और जबकि यहाँ पे तीसरा कथन है तो तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ कोयला क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है। यहाँ पे 12वें में देखा जाए तो तालचेर कोयला क्षेत्र जो है
उड़ीसा में है, और जो है यहाँ पे रामपुर हिमगिर जो कोयला क्षेत्र है ये उड़ीसा के संबलपुर और जो है सुंदरगढ़ जिलों में स्थित है, जबकि झारखंड लिखा है इसलिए दूसरा गलत है। इसके अलावा जो है सिंगरौली कोयला क्षेत्र है ये सीधी और शहडोल जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो पहला सही था, तीसरा सही था। इसके अलावा चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है करणपुरा जो कोयला क्षेत्र है ये झारखंड में बोकारो के पश्चिम में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा भी जो है गलत हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे दो युग्म सही से मिले थे, एक तो पहला एक तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गोंडवाना शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत के गोंडवाना शैलों में यूरेनियम के साथ साथ तांबे के भी प्रचुर निक्षेप हैं। दूसरा कथन है कि कश्मीर, दार्जिलिंग और सिक्किम में पाई जाने वाली ये शैलें जो है विरूपित अवस्था में हैं। तीसरा कथन है भारत में इन शैलों की खोज सबसे पहले तेलंगाना के गोंड क्षेत्र में हुई थी। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 13 में देखा जाए तो भारत में जो है गोंडवाना प्रणाली की शैलें जो हैं वो बलुआ पत्थर के साथ साथ कुछ शैल जो है पत्थर तथा चिकनी मृदा से बने हुए हैं। ये मूल रूप से महाद्वीपीय शैलें हैं और इनके तहत देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे जो है क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो है गोंडवाना प्रणाली है, जो यहाँ पे जो है ये जो है गोंडवाना प्रणाली का नाम जो है गोंड साम्राज्य से लिया गया है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रहने वाले सबसे पुराने आदिम लोग हैं, और इनकी प्रासंगिकता जो है वो मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से है जहाँ इन्हें पहली बार खोजा गया। तो यहाँ पे देखा जाए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट है ये भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है गोंडवाना शैलें जो है वो आर्थिक रूप से भारत की सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं, क्योंकि इनमें जो है भारत का लगभग 98% जो कोयला निक्षेप है वो यहीं पे मौजूद है, और इनमें जो है लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम और एंटीमनी के भी जो है समृद्ध निक्षेप पाए गए हैं। इसके अलावा जो है बलुआ पत्थर, स्लेट का भी उपयोग जो है यहाँ पे जो पाए जाते हैं उनका उपयोग जो है भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चक्रवात के चक्षु में कोई वर्षा तथा आरोही पवन नहीं होती है जो चक्षु भित्ति में मेघों का पोषण करती है। दूसरा कथन है कि चक्रवात के चक्षु के जो है चारों तरफ कपासी वर्षा मेघों में होने वाला संघनन चक्रवात के तीव्र होने की प्रेरक शक्ति है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो पहले कथन के संदर्भ में बात की जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के तहत देखा जाए तो इसके केंद्र के चारों ओर जो है तेज सर्पिल रूप से घूमती वायु होती है, और इस केंद्र को जो है चक्रवात का चक्षु कहा जाता है, और चक्षु कम होती वायु के साथ शांति का क्षेत्र है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है तो इस क्षेत्र में जो है मूसलाधार वर्षा होती है और चक्रवात को तीव्र करने वाली ऊर्जा चक्रवात के केंद्र के आसपास विशाल कपासी वर्षा मेघों में संघनन प्रक्रिया से आती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वैश्विक वायुमंडली दाब पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जो है अश्व अक्षांश पवन अभिसरण और आरोही संवहन धाराओं के क्षेत्र हैं। दूसरा कथन है डोलड्रम हल्की और जो है परिवर्त पवनों द्वारा चिन्हित निम्न दाब की एक पेटी है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 15 में देखते हैं हम लोग, तो 15 में देखते हैं तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला कथन यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है, जो अश्व अक्षांश है वो 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में होने वाली उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी को संदर्भित करता है, और यहाँ वायु अपेक्षाकृत जो है शुष्क होती है तथा पवने शांत और हल्की होती हैं। यह अवरोही वायु राशियों या वायु विचलन तथा प्रति चक्रवात का एक क्षेत्र माना जाता है,
और इसके अलावा दूसरा कथन है तो यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पर्वत दे रखा है, दूसरी तरफ पर्वतों का प्रकार दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पर्वतों के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो जो है पर्वतों को चार जो है प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला होता है वलित पर्वत, दूसरा है ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा है भ्रंशोत्त पर्वत, चौथा है जो है अपशिष्ट पर्वत। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है ब्लैक फॉरेस्ट राइनलैंड दे रखा है, इसके सामने दे रखा है वलित पर्वत का उदाहरण है, वलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि ये जो है भ्रंशोत्त पर्वतों का उदाहरण है, इसलिए ये जो है मिलान गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो है माउंट कोटोपैक्सी दे रखा है, तो माउंट कोटोपैक्सी दे रखा है तो ये जो है ज्वालामुखी पर्वत है, तो यहाँ पे दूसरा सही है। तीसरा भी यहाँ पे सही है कि सेरा निवादा पर्वत है, ये जो है भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है, ये जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दो युग्म सही से मिले थे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य आत्पन तथा वायुमंडल ऊष्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पृथ्वी का वायुमंडल सौर विकिरण की उच्च आवृत्ति तरंगों के लिए मुख्य रूप से जो है अपारदर्शी है। दूसरा कथन है कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी की सतह से कम जो है आवृत्ति वाले विकिरण के अवशोषण के परिणाम स्वरूप वायुमंडल का अप्रत्यक्ष तापन होता है। तीसरा कथन है सूर्य आत्पन का लगभग 2/3 भाग पृथ्वी की सतह और उसके वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष अंतरिक्ष में वापस भेज दिया जाता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे जो है 17 में देखा जाए तो 17 में देखा जाए तो एक तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो शॉर्ट वेव अर्थात जो है उच्च आवृत्ति वाले सौर विकिरण के लिए मुख्य रूप से पारदर्शी है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे अपारदर्शी के लिए लिखा है जबकि पारदर्शी होना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आगत जीवी के कारण जो है जोंगसा थेला का ह्रास रोगजनक प्रेरित प्रवाल रोगों के कारण होता है। दूसरा कथन है कि पशु पदिक के कारण जो है प्रवाल भित्ति उच्च मात्रा में रासायनिक प्रदूषकों के संपर्क में आते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रवाल भित्ति का ह्रास होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पहला कथन सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, समुद्री पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भूमि से निकटता के कारण जो है निरीटांचली क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व तथा जैविक गतिविधियां पाई जाती हैं। दूसरा कथन है कि गंभीर विलापवर्ती क्षेत्र जो है सागरी जल का सबसे गहरा क्षेत्र है तथा इसमें गहरे सागरी पर्त पाए जाते हैं। तीसरा कथन है अधिविलापवर्ती क्षेत्र में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश होता है तथा प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरह से होता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 19 में देखा जाए एक तो पहला कथन सही है, जबकि यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए दूसरा गलत हो जाता है, तीसरा सही हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला तीसरा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आवृत्त बीजी तथा अनावृत्त बीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आवृत्त बीजी एक जो है आग समूह है तथा इसमें ऐसे पादप सम्मिलित हैं जो नग्न बीज उत्पन्न करते हैं। दूसरा कथन है कि निषेचन की सुविधा के लिए केवल आवृत्त बीजी ही पराग का उपयोग करते हैं। तीसरा कथन है दोनों समूहों में संवहनी पादप सम्मिलित हैं जिनमें जो है जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 20 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है सही के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे एक तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन यहाँ पे सही है,
तो इस प्रकार यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ओपन स्काई संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक ऐसी संधि है जो सदस्य देशों को सैन्य बलों पर आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक दूसरे के क्षेत्रों में त्वरित सूचना पर जो है निशस्त्र निगरानी उड़ाने संचालित करने की अनुमति देती है। दूसरा कथन है कि अमेरिका और रूस दोनों ही इस संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, तो उपर्युक्त में से कौन सी कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो रूस ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संधि से पहले जो है हटने का हवाला देते हुए ओपन स्काई संधि से खुद को बाहर कर लिया है, इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निवेश प्रोत्साहन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत और चीन ने निवेश प्रोत्साहन समझौता नामक एक विधिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा कथन है, भारत में निवेश सहायता विधान जारी करने के लिए विकास वित्त निगम के लिए यह समझौता एक विधिक आवश्यकता है, तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए 22 नंबर में, तो यहाँ पे जो है पहला कथन यहाँ पे जो है सही नहीं है, क्योंकि जो है हाल ही में जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है टोक्यो जापान में जो है निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ना कि जो है चीन ने, तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बात की जाए तो दूसरा यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे सही है, और यह निवेश प्रोत्साहन समझौता जो है वर्ष 1997 में दोनों देशों द्वारा जो है हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते को जो है प्रतिस्थापित किया गया था, और वर्ष 1997 में पूर्ववर्ती IIA पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से महत्वपूर्ण विकास हुए हैं, जैसे कि जो है विकास वित्त निगम नामक एक नए संगठन की स्थापना की गई, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जापान सागर, दूसरा है पूर्वी चीन सागर, तीसरा है पीला सागर, चौथा है कारा सागर, तो उपर्युक्त जल निकायों में से कितने दक्षिण कोरिया को घेरे हुए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए दक्षिण कोरिया को जो है तीन जल निकाय घेरे हुए हैं। पहला है जापान सागर जो पूर्व में जो है घेरे हैं, और इसके बाद है पूर्वी चीन सागर जो दक्षिण में, और इसके बाद है पीला सागर सही है, जापान सागर सही है, पूर्वी चीन सागर सही है। इसके अलावा अगला है कोरिया जल डमरूमद, ये दक्षिण पूर्व में है दक्षिण कोरिया को घिरे हुए हैं, तो कोरिया जल डमरूमद का उदाहरण यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीन ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कखुआ बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बांध तुर्की में स्थित है। दूसरा है, यह जो है डेन्यूब नदी पर स्थित है और इसे काला सागर के आसपास के देशों के लिए जीवन रेखा माना जाता है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है यूक्रेन का एक जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो खेरसोन क्षेत्र के नोवा कखुआ शहर में स्थित है, और जो है यह बांध जो है दक्षिण यूक्रेन पर जो है नाइपर, जिसे जो है निप्रो नदी भी कहा जाता है, पर एक प्रमुख जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और जलाशय था, और यह 6 जून 2023 को एक विस्फोट होने की वजह से नष्ट हो गया, जिससे युद्धग्रस्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ और मानवीय संकट भी उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए पहला तो यहाँ पे गलत है, जबकि यहाँ पे दूसरा देखा जाए तो दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो है कखुआ का बांध जो है 1956 में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और नौ परिवहन के लिए निप्रो नदी का उपयोग करने हेतु सोवियत संघ की महत्वाकांक्षी परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया था। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संगठन में केवल यूरोप के सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
दूसरा कथन है सभी भाग लेने वाले राष्ट्रों को समान दर्जा प्राप्त है और जो है निर्णयक विधिक रूप से बाध्यकारी है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो 25 में हम लोग देखते हैं ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सभी संगठन में जो है भाग लेने वाले जो है 57 राष्ट्रों को समान दर्जा प्राप्त है तथा राजनीतिक निर्णय जो है विधिक रूप से बाध्यकारी आधार पर नहीं परंतु आपसी सहमति से लिए जाते हैं इसमें, जबकि यहाँ पे बाध्यकारी का उल्लेख किया गया है इसलिए दूसरा भी गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, असम राइफल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये भारत चीन और भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करता है। दूसरा कथन है इसका परिचालन नियंत्रण जो है गृह मंत्रालय के जो है पास है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? अभी हाल ही में असम राइफल्स का जो है 187वां जो है स्थापना वर्ष मनाया गया, कहाँ पर? शिलोंग में, और जो है यह भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा करता है और यह एक जो है पूर्वोत्तर का प्रहरी और देश का सबसे पुराना जो है अर्धसैनिक बल है। इसके अलावा यह चीन सीमा पर भी जो है विस्तारित भूमिका के साथ जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है असम राइफल्स जो है गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है परंतु इसका परिचालन जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है वी आर कृष्णा अय्यर, दूसरा है पी एन भगवती, तीसरा है ओ चिनप्पा रेड्डी, चौथा है डी ए देसाई। तो उपर्युक्त में से कितने न्यायाधीशों ने भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी? तो यहाँ पे देखा जाए न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है इसका उद्भव हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यह पद जो है पहली बार 1947 में जो है चर्चा में आया। इसके पश्चात जो है भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत जो है 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ, और इसके तहत देखा जाए तो न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति ओ चिनप्पा रेड्डी तथा न्यायमूर्ति डी ए देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की जो है नींव डाली, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है परंतु प्रत्येक व्यक्ति यद्यपि उसका पद या स्थिति कुछ भी हो क्षेत्र की समान विधि के अधीन है तथा जो है समान न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री से लेकर पुलिसकर्मी या जिलाधिकारी पद तक का प्रत्येक अधिकारी विधिक औचित्य के बिना किए गए प्रत्येक कार्य के लिए किसी अन्य नागरिक के समान ही उत्तरदायी है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में उल्लिखित विचार को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। तो इस कथन के संदर्भ में बात की जाए तो पहला ऑप्शन सही है ए वी डाइसी, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है। दूसरा कथन है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों अपने जो है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार रखते हैं। तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को या उनके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में जो है प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 30 में जो है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा से आधारित हों अपने शैक्षणिक जो है संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो है यहाँ पे देखा जाए तो अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है मकान मालिक किराएदार मामले, दूसरा है सेवा मामले और पेंशन तथा ग्रेजुएटी से संबंधित मामले, तीसरा है चिकित्सा एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए मामले हैं, चौथा है दंगा पीड़ितों की याचिका। तो उपर्युक्त में से कितनी श्रेणियों पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जाएगा?
यहाँ पे 30 में देखते हैं तो जो है तो यहाँ पे देखा जाए, एक तो मकान मालिक और किरायेदार के मामले में विचार नहीं किया जाएगा, ये सही है। अगला है जो है सेवा मामले और पेंशन तथा ग्रेजुटी से संबंधित मामले में भी विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है केंद्र राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायत के संबंध में, और इसके अलावा चिकित्सा एवं जो है अन्य शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश के मामले में भी, तो यहाँ पे तीसरा भी सही है। इसके अलावा जो एक ऑप्शन है दंगा पीड़ितों की याचिका के संबंध में, ये गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि भारतीय विधि प्रणाली के अंतर्गत उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच एक जो है संवैधानिक अधिदेश है। दूसरा कथन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है भारतीय संविधान के तहत राज्य की नीति के निदेशक तथ्यों में से एक है, तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 31 में देखा जाए तो एक तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है कि निलंबनकारी वीटो, दूसरा है विशेषित वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो, चौथा है आंत्यतिक वीटो। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है उपर्युक्त में से कितनों का संयोजन है, तो यहाँ पे जो है 32 में देखा जाए तो यहाँ पे चार प्रकार के वीटो का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसमें देखा जाए तो तीन प्रकार के वीटो जो है राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं, आंत्यतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कोई भी जो है विशेषित जो वीटो है, विशेषित वीटो है वह नहीं होता है, यह शक्ति केवल जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय विधिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह अधिवक्ताओं के आचरण को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा बनाई गई एक जो है संवैधानिक संस्था है। दूसरा कथन है भारत के महान्यायवादी तथा भारत के महाधिवक्ता BCI के पदेन सदस्य हैं, तो उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो 33 में हम लोग ये देखते हैं, 33 में ये देखते हैं पहला कथन सही है, दूसरा भी यहाँ पे सही है, तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। BCI में जो है एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, और भारत के महान्यायवादी तथा भारत के महाधिवक्ता इसके जो है पदेन सदस्य होते हैं, और वे परिषद द्वारा जो है परिषद सदस्यों में से चुने जाते हैं, और 2 वर्ष की अवधि के लिए ये अपने पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के तत्व और सार का सिद्धांत के अनुसार एक विधि का परीक्षण किया जाना चाहिए, तो एक जो है एक विधि का परीक्षण किस रूप में किया जाना चाहिए, तो एक संगठित संपूर्ण के रूप में किया जाना चाहिए, यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1992 में जो है संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। दूसरा कथन है कि NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग जो है महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देता है, तो उपर्युक्त में से कौन सी कथन यहाँ पे सही है। तो 35 में देखा जाए तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में की गई थी, और यहाँ पे जो है ये जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और ये जो है संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, और दूसरा कथन है तो यहाँ पे दूसरा भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। दूसरा है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। तीसरा कथन है संवैधानिक जो है संशोधनों को न्यायिक जांच के दायरे से बाहर कर दिया। चौथा है जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा एवं रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति को कम कर दिया गया। तो उपर्युक्त में से कितने संशोधन
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निर्दिष्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है तीन संशोधन इसमें जो है सम्मिलित है, तीन संशोधन इसमें जो है सम्मिलित है, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्योंकि जो है पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है 11 नहीं 10 जो है मूल कर्तव्यों को यहाँ पे जोड़ा गया था, इसलिए यहाँ पे देखा जाए जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। एक भूदृश्य की विशेषता लंबी घास और छोटे वृक्ष हैं। घास लंबी और खुरदरी होती है और सघन गुच्छों में बढ़ती है तथा इसकी जड़ें लंबी होती हैं। वृक्ष झुरमुटों में या बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। ये पर्णपाती होते हैं तथा ठंडे शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बुश वेल्ड पद का प्रयोग अक्सर भूदृश्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भूदृश्य का उपयुक्त वर्णन किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखा जाए 37 का, तो यहाँ पे जो है सवाना का वर्णन किया जा रहा है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ रामसर स्थल है, दूसरी तरफ राज्यों का जिक्र है। तो यहाँ पे जो है हम लोग 38 में बढ़ते हैं, तो 38 में हम लोग क्या देखते हैं कि तंपारा झील जो है कहाँ पे दे रखा है, तंपारा झील जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में बताया जा रहा है। तंपारा झील जो है उड़ीसा में है, ये जो है सही है मिलान। अगला है सालबुग, सालबुग भी जो है कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ये भी सही है। अगला है यशवंत सागर झील रामसर स्थल, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो ये जो है यहाँ पे कहा जाए तो ये जो है सही सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है, तो इसलिए ये गलत है। तो पहला दूसरा यहाँ पे सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के जो है पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्राणी प्रकीर्णन बीज जो है प्रकीर्णन की एक विधि है जो किसी भी अन्य विधि की तुलना में बीज द्वारा सबसे अधिक दूरी तय करने की अनुमति देती है। दूसरा कथन है गुरुत्व प्रकीर्णन बीज प्रकीर्णन की एक विधि है जिसमें जो है वर्षा की बूंदों के प्रभाव से या वर्षा के दौरान प्रकीर्णन शामिल होता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 39 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये परिवेशी वायु सतही जल और भूमि सहित पर्यावरण की जो है समग्र गुणवत्ता को दर्शाता है। दूसरा कथन है इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा कथन है सूचकांक की सीमा 1 से 10 है जिसमें 10 सबसे प्रदूषित है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 40 में हम लोग ये देखते हैं कि एक तो जो है पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, जबकि तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि ये जो संख्या है वह 0 से 100 है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। जलवायु दबावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 41 में तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि मानव निर्मित जलवायु दबावों के महत्वपूर्ण प्रभाव तुरंत पृथ्वी की सतह के तापमान पर दिखाई देते हैं जबकि प्राकृतिक प्रभावों को देखने में दशकों लग जाते हैं। ये सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। वन संरक्षण या संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस अधिनियम ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में एक प्रस्तावना सम्मिलित की। दूसरा है वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सामरिक परियोजनाओं के लिए वन भूमि के उपयोग को इस अधिनियम के तहत छूट दी गई है। तीसरा कथन है अधिनियम के तहत वन क्षेत्र में सर्वेक्षण और जो है परीक्षण को गैर वानिकी गतिविधि नहीं माना जाएगा। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है एक तो क्या है कि तीनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसलिए जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो है 43 का यहाँ पे देखा जाए जो है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जो है यहाँ पे पोषक तत्व आधारित सब्सिडी जो है भारत में जो है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है यह जो है
पोषक तत्व सामग्री के आधार पर सब्सिडी प्रदान कर संतुलित जो है उर्वरण को प्रोत्साहित करता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, फॉस्फोरस निक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में फॉस्फोरस के लिए आयात पर अत्यंत निर्भर है और इसका अधिकांश अफ्रीका से कैडमियम के द्वारा दूषित रूप में आयात किया जाता है। दूसरा कथन है कि भारतीय सेलें फॉस्फोरस निक्षेप से पूर्णता रहित हैं। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 44 में हम ये लोग देखते हैं, यहाँ पे पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, महाराष्ट्र के पुणे में पिंपरी चिंचवड नगर निगम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत के प्रथम सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड है। दूसरा कथन है, ये देश का पहला बाह्य रूप से प्रमाणित ट्रिपल ए रेटेड INR सामाजिक बॉन्ड है। तीसरा कथन है, ये बॉन्ड उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए अभिकल्पित किए गए हैं जो निर्धनता उन्मूलन और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे विभिन्न मुद्दों का समाधान करते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 45 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है तीसरा सही है, दूसरा सही है, जबकि पहला यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है। क्योंकि पहला यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है कि नाबार्ड ने जो है 7.63% की कूपन दर पर 1040.50 करोड़ रुपए के जो है रुपए स्वीकृत किए हैं। इन बॉन्डों को CRISIL लिमिटेड और ICRA लिमिटेड द्वारा उच्चतम AA रेटिंग प्रदान की गई है। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे जीरो कूपन प्रणाली अपनाई नहीं गई है, यहाँ पे जो है फंड रिलीज किया गया है। तो इस यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सेज की अधिसूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की जाती है। दूसरा कथन है, प्रथम 5 वर्षों के लिए आयकर अधिनियम के तहत सेज इकाइयों के लिए निर्यात आय पर 100% आयकर छूट। तीसरा कथन है, सेज को न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने से छूट दी गई है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 46 में हम लोग ये देखते हैं कि एक तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है कि जो है 100% की जो है यहाँ पे क्या है जो है आयकर छूट प्रदान की गई है प्रथम 5 वर्षों के लिए, और यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है सेज इकाइयों द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान किया जाना होगा और जो है सितंबर 2019 में MAT को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया था। तो यहाँ पे छूट नहीं प्रदान की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी गलत है, और यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो पहला दूसरा सही है, तो दो ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, नियो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये मात्र डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो पूर्ण रूप से ऑनलाइन संचालित किए जाते हैं। दूसरा कथन है, इनके पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं होता है और ये लाइसेंस प्राप्त सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक भागीदारों पर निर्भर होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 47 में देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अर्धचालक उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि दक्षिण कोरिया विश्व में माइक्रोचिप का सबसे बड़ा जो है विनिर्माता है। दूसरा कथन है, भारत ने अर्धचालक विनिर्माण की जो है मुख्य प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए भारत अमेरिका की संयुक्त महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पूछा गया है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 48 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है, 48 में पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण कोरिया नहीं होना चाहिए। तो पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है ताइवान, जिसकी राजनयिक स्थिति चीन द्वारा विवादित है और विश्व में कच्चे अर्धचालक के विनिर्माण के संबंध में सबसे अग्रणी देश है, और इसमें मुख्यतः एक ही जो है कंपनी है ताइवान की, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका काफ़ी योगदान है, जिसका जो है समग्र विश्व के कुल अर्धचालक विनिर्माण में लगभग 50% का योगदान है, ना कि यहाँ पे दक्षिण कोरिया होना चाहिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, RBI द्वारा
निर्गमित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल वर्ग में जो है निर्गमित किया गया है। दूसरा कथन है, सीडी का उपयोग करने के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है। तीसरा कथन है कि कागजी मुद्रा के विपरीत इसे बटुए में रखने से ब्याज प्राप्त होगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 49 में देखा जाए, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे गलत है, पहला सही है, और यहाँ पे तीसरा भी गलत है, क्योंकि इनको जो है बैंकों में जमा कराया जाएगा, ना कि बटुए में रखने से ब्याज प्राप्त होगा, इनको बैंक में जमा कराना पड़ेगा, इसलिए ये गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, एक ही स्टेटमेंट सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ILO अभिसमय संख्या 1 का सटीक रूप से वर्णन करता है? तो यहाँ पे 50 में देखा जाए तो इसका वर्णन इसके अनुसार देखा जाए तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार के घंटे प्रतिदिन 8 घंटे होंगे और प्रति सप्ताह 39 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, ऐसा जो है ILO अभिसमय संख्या 1 का सटीक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस समय संगठित व असंगठित श्रमिकों का रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। दूसरा कथन है, मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ई श्रम कार्ड धारक श्रमिक को 10 लाख रुपये का बीमा प्रदान किया जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 51 में हम लोग ये देखते हैं तो भारत में देखा जाए तो 38 करोड़ जो है असंगठित अनऑर्गेनाइज श्रमिकों को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया, और इसके तहत देखा जाए तो श्रमिकों को 12 अंकों का एक विशिष्ट संख्या नंबर प्रदान किया जाता है, और जो है यदि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत कोई श्रमिक दुर्घटना का शिकार हो जाता है तब मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उसे 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, पहला भी गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डच डिजीज को सही ढंग से संदर्भित करता है? तो यहाँ पे जो है 52 में देखा जाए तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही है कि इसकी शुरुआत जो है अन्वेषित किए गए संसाधनों का दोहन करने के लिए विदेशी नकदी के अंतर्वाह से हो सकती है, जिसमें मुद्रा के बढ़ते मूल सहित निर्यात में गिरावट और अन्य देशों में रोजगार का नुकसान होना जैसे लक्षण शामिल है, इसी को जो है डच डिजीज कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित मौद्रिक नीति उपकरणों पर विचार करें। पहला है निधि आधारित ऋण दर की सीमांत लागत, दूसरा है बैंक दर, तीसरा है रिवर्स रेपो दर, चौथा है स्थायी जमा सुविधा। तो उपर्युक्त में से कितने जो है चल निधि जो है समायोजन सुविधा के घटक हैं? तो यहाँ पे 53 में हम लोग देखते हैं, 53 में हम लोग ये देखते हैं तो जो LAF है तो इसके 2 घटक हैं, एक जो है रेपो, एक जो है रिवर्स रेपो। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, और जो है एक है जो है चलनिधि प्रविष्टि और जो है चलनिधि और शोषण, दोनों RBI द्वारा LAF की जो है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है इसके अलावा जो है एक ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि 2 जो है चल निधि समायोजन सुविधा के घटक हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, समकारी लेवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक निवासी द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन जैसी निर्दिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त जो है प्रतिफल पर लगाया जाने वाला कर है। दूसरा है, यह माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के मामले में
ई कॉमर्स कंपनियों के लिए जो है कार्यान्वित है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 54 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अप्रत्याशित कर की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सर्वोत्तम व्याख्या कर रहा है कि यह सरकार द्वारा विशिष्ट उद्योगों पर अप्रत्याशित और औसत से अधिक लाभ प्राप्त करने की स्थिति में लगाया जाने वाला एक उच्च कर है, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ट्रिफिन सुविधा को सही ढंग से संदर्भित करता है? तो 56 में हम लोग ये देखते हैं कि जो है रॉबर्ट ट्रिफिन का मानना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लगातार बढ़ते घाटे को झेलने की आवश्यकता के बिना डॉलर विश्व की आरक्षित मुद्रा के रूप में नहीं रह सकता है, और उन्होंने इसके अलावा कहा कि अन्य मुद्राओं के अपेक्षित आरक्षित मुद्रा जितनी अधिक लोकप्रिय होती है उसकी विनिमय दर उतनी ही अधिक होती है और घरेलू निर्यात उद्योग कम जो है प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ये पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को निर्गत किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजारों का हिस्सा बनना चाहते हैं, यद्यपि उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की सम्यक तत्परता प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो 57 में हम लोग ये देखते हैं तो यहाँ पे जो है सहभागी नोट का जो है वर्णन किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाल राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल को स्वतंत्र राजनीतिक अधिकारियों द्वारा शासक के रूप में चुना गया था। दूसरा कथन है कि धर्मपाल ने बिहार राज्य में ओदंतपुरी मठ की नींव रखी। तीसरा कथन है यह राजवंश कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए प्रतिहारों एवं वकाटकों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 58 में ये देखा जाए तो 58 में ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो है पहला कथन तो यहाँ पे सही है, जबकि दूसरे कथन के बारे में बात की जाए तो बिहार के ओदंतपुरी में जो मठ की स्थापना थी वो गोपाल ने की थी, ना कि धर्मपाल ने, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि उसके शासनकाल को कन्नौज और उत्तर भारत में नियंत्रण के लिए पालों प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष द्वारा चिन्हित किया गया है, इसलिए यहाँ पे तीसरा भी गलत हो जाता है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही होगा, पहला वाला, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे बिग बैंग की प्रतिध्वनि या शॉक वेव माना जाता है। दूसरा कथन है जब से CMB का उत्सर्जन हुआ है ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है और यह अधिक ठंडा होता जा रहा है। तीसरा कथन है हम परावैगनी आवृत्तियों पर CMB का पता लगा सकते हैं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही होंगे? तो यहाँ पे 59 में हम लोग देखते हैं तो एक तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दूसरा भी यहाँ पे सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि जो है हम सूक्ष्म तरंग आवृत्तियों या जो है लंबाई के पैमाने पर जो है CMB का पता लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत था। तो दो ही स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे केवल अत्यधिक उच्च तापमान पर ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कथन है अति चालकता की स्थिति में संक्रमण के दौरान सामग्री चुंबकीय क्षेत्र को भी निष्कासित कर देती है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 60 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों पहला इसलिए गलत है? क्योंकि अति चालकता जो है कुछ सामग्रियों के गुण हैं जो ऊर्जा क्षय के बिना दिष्ट धारा विद्युत का संचालन करती है जब उन्हें एक जो है क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पे जो है उच्च तापमान नहीं होगा, निम्न तापमान होगा, तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत था।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में समाचारों में रहा सुपर बक्स पद संबंधित है, तो यहाँ पे 61 में देखते हैं तो सुपर बक्स का संबंध किससे है, ऐसे रोगाणु जिन्होंने कई प्रकार के प्रतिजैविक औषधियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है उसे जो है सुपर बक्स कहा जाता है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए, पहला कथन है यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, दूसरा कथन है कि जो है कोर्सिया जो है वो CO2 उत्सर्जन में वृद्धि को संबोधित करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा स्थापित एक वैश्विक योजना है, तीसरा कथन है भारत ने जो है कोर्सिया के स्वैच्छिक चरणों में भाग न लेने का निर्णय लिया है, तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है, तो 62 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि इसका मुख्यालय जो है कनाडा में स्थित है, तो इसलिए यहाँ पे पहला सही नहीं है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, अशोधित तेल के आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए, पहला कथन है ब्यूटेन जो है वो मिट्टी के तेल की तुलना में कम क्वथनांक पर प्राप्त होता है, दूसरा कथन है डीजल है वो पेट्रोल की तुलना में सघन होता है और उच्च क्वथनांक पर प्राप्त होता है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे हम लोग देखें 63 में तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में जन समाचारों में रहा क्लेरियन क्लिपर्टन जोन निम्नलिखित में से किस कारण से चर्चा में था, तो यहाँ पे देखा जाए 64 में हम लोग देखते हैं सही जवाब क्या होगा, 64 में सही जवाब होगा कि ये जो क्लेरियन क्लिपर्टन जोन है यह जो है तांबा निकल कोबाल्ट लोहा मैंगनीज और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए एक जो है संभावित खनिज संसाधन है, इसलिए ये चर्चा में रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और ये जो एक जोन है ये CCZ जो जोन है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में लगभग 4.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एक जो है वीतली मैदान है और ये मैक्सिको के आसपास का क्षेत्र है, और यहाँ पे देखा जाए तो इसके तहत जो है काफ़ी जो है गहन समुद्री अध्ययन भी किया जा चुका है जिसके तहत ही ये संसाधन का खनिज संसाधन का जो है मतलब संभावना जताई गई है कि यहाँ पे ये जो है खनिज संसाधन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, एक तरफ स्थान है दूसरी तरफ मुख्यालय है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 65 में देखा जाए तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में, ये सही है। अगला है जो है भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण का मुख्यालय मुंबई में है लेकिन चेन्नई दिख रखा है, ये गलत है। अगला है तीसरा नंबर तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है लेकिन मुंबई लिखा है, ये भी गलत है। अगला भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है तो चौथे नंबर में जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय देहरादून में है लेकिन भोपाल लिखा है, ये भी गलत है। तो उपर्युक्त में से कितने युग्म सही है, एक ही युग्म सही है, पहला वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित पर विचार करें, कॉफ़ी बोर्ड, चाय बोर्ड, कैर बोर्ड, रबड़ बोर्ड, रेशम बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, तो उपर्युक्त में से कितने बोर्ड जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, तो यहाँ पे देखा जाए तो वाणिज्य मंत्रालय के जो है 5 जो है संविधिक पर्ण बोर्ड है जो चाय, कॉफ़ी, रबर, मसाला तथा तंबाकू के उत्पादन के लिए जो है विकास और निर्यात के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है यहाँ पे जो दे रखा है ऑप्शन उनमें से 4 जो है सही है, एक जो है चाय है, दूसरा कॉफ़ी है, अगला है जो है रबड़ और एक है तंबाकू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला कथन है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हत्या और बलात्कार जैसे दंडनीय अपराध समादेय हैं, दूसरा कथन है किसी संदिग्ध को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को केवल संज्ञेय अपराध के उचित संदेह की आवश्यकता होती है, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो 67 में हम लोग देखते हैं तो एक तो पहला कथन यहाँ पे गलत है,
क्योंकि यहाँ पे जो है बलात्कार और हत्या संबंधी अपराध के समय में अपराध के जो है संदर्भ में देखा जाए तो समझौता क्षमादेय नहीं होता है, लेकिन जो है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे सही है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए और उनका महत्व दे रखा है, तो इनका मिलान करते हैं, तो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ 1986 में और इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नरोजी इसके अध्यक्ष थे, और इसमें देखा जाए लिख रखा है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये कथन गलत है। अगला है सूरत का अधिवेशन हुआ 1907 में, सूरत का अधिवेशन हुआ 1907 में और इस समय जो है राज बिहारी बोस अध्यक्ष थे और कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसमें से नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग दल बने और अधिवेशन का जो है स्थगित हुआ इस दौरान, तो ये भी जो है यहाँ पे देखा जाए ये जो है सही होगा। अगला है कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ, ठीक है, तो 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कानपुर में और इस समय सरोजिनी नायडू जो है अध्यक्ष थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी, तो यहाँ पे देखा जाए ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है बेलगाम का आंदोलन, बेलगाम का जो है अधिवेशन हुआ 1924 में, तो इस समय जो है अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित एकमात्र अधिवेशन यही है, तो यहाँ पे जो है ये भी सही है, यहाँ पे दूसरा और चौथा सही है, तो दो युग में सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश पत्रकार जो है वेलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति के जनक की उपाधि किसे दी, तो ये उपाधि जो है बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला है कि सरफराज खान, दूसरा है सिराजुद्दौला, तीसरा है मुर्शीद कुली खां, चौथा है मीर जाफर, तो उपर्युक्त बंगाल के नवाबों को उनके शासनकाल के जो है काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे 70 में देखा जाए तो मुर्शीद कुली खां का जो समय था वो था जो है 1717 से 27 तक, सरफराज खां का जो था 1739 से 40 तक, सिराजुद्दौला का शासनकाल था 1733 से 57 तक और मीर जाफर का जो शासनकाल था 1691 से 1765 तक, तो इस प्रकार यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अंगामो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला है ये अंगामो है जो ये स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके प्रत्येक ऊतक के छोटे संस्करणों का संवर्धन करता है, दूसरा कथन है मानव मस्तिष्क के विकास और जो है मानव नेक्स्ट कथन नंबर दूसरा नेक्स्ट कथन नंबर दूसरा मानव मस्तिष्क के विकास और मनोविदलता जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के अध्ययन में उनका महत्वपूर्ण जो है अनुप्रयोग है, तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, तो 71 में देखा जाए पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, हिग्स बोसोन कण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पहला कथन है कि इसकी खोज विश्व के सबसे शक्तिशाली कण जो है त्वरक लार्ज हैंड्रॉन कोलाइडर में की गई थी, दूसरा कथन है इस कण का द्रव्यमान प्रोटॉन से कम किंतु इलेक्ट्रॉन से अधिक था, तीसरा कथन है यह शून्य चक्रण के साथ जो है आवेश रहित है, तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं ये आपको बताना है, तो 73 में ये देखा जाए तो यहाँ पे जो है नहीं 72 नंबर क्वेश्चन है ना, 72 में ये देखा जाए कि यहाँ पे पहला ऑप्शन तो यहाँ पे सही है, दूसरा ऑप्शन के संदर्भ में देखा जाए तो दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि जो है CERN के अनुसार जो है हिग्स बोसोन कण का द्रव्यमान 125 अरब इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है जो प्रोटॉन से लगभग 130 गुना अधिक भारी है, यह जो है शून्य चक्रण के साथ जो है आवेश रहित होता है जिसकी कोणीय गति एक जो है क्वांटम यांत्रिक के बराबर है, यह जो है एकमात्र जो है प्राथमिक कण है जिसमें चक्रण या गति नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है दूसरा गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है,
तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, दूसरा है भूपेंद्र नाथ दत्त, तीसरा है लाला हरदयाल। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में उपर्युक्त जो है व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 73 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जो है बर्लिन समिति से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है बर्लिन समिति की स्थापना 1915 में इन तीनों के सहयोग से हुई थी और समिति का गठन जो है जिम्बरमैन योजना के तहत जर्मन विदेश कार्यालय की मदद से किया गया था और इस समिति के तहत जो है हिंदू जर्मन संयंत्र का हिस्सा थी यह समिति, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का प्रयास करने के लिए भारतीय राष्ट्रवादी समूहों द्वारा वर्ष 1914 से वर्ष 1914 और 17 के बीच योजनाओं की एक जो है विशेष श्रृंखला के रूप में कार्यरत थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की मदद से की थी। दूसरा कथन है कि प्रार्थना समाज के सामाजिक सुधारकों में अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत शामिल है। तीसरा है समाज पश्चिमी शिक्षा की ओर बहुत आकर्षित हुआ। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 74 में देखा जाए तो यहाँ पे तीनों कथन सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रार्थना समाज को जो है अंग्रेजी भाषा में जो है प्रेयर सोसाइटी भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1867 में की गई थी इन दोनों के माध्यम से ही। और जो है आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, सीफ जिसे भ्रूण जैसी विशेषताओं वाली कृत्रिम मानव इकाइयां कहा जाता है, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है वे बहुशक्तिक स्टेम कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा कथन है ये अंडे और शुक्राणु कोशिका के संलयन से नहीं बनते हैं। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो 75 में हम लोग देखते हैं तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, टी कोशिका लसिकाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है वे अनुकूली प्रणाली शुरुआत करने के लिए अंड प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं को सक्रिय करने हेतु रासायनिक संकेतकों का उपयोग करते हैं। दूसरा है कि वे रोगजनक को मारने के लिए प्रतिजन का उत्पादन करते हैं। तीसरा कथन है वे अस्थि मज्जा में जो है निर्मित होते हैं और प्लीहा में परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पे देख के आपको बताना है 76 में कि जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 76 में हम लोग ये देखते हैं तो एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है और यहाँ पे जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि वे जो है हमलावर रोगाणुओं से जो है सम्मिलित होने वाली बी कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, केवल वही सटीक प्रतिरक्षी उत्पन्न होंगी जिनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि प्रतिजन का उत्पादक नहीं करते हैं। और तीसरा कथन के बारे में बात की जाए तो तीसरा कथन भी यहाँ पे जो है सही नहीं है। तीसरा कथन भी सही नहीं है, टी कोशिका लसिकाणु जो है अस्थि मज्जा में निर्मित होते हैं और फिर जो है रक्त प्रवाह के माध्यम से थाइमस में चले जाते हैं, ना कि प्लीहा में, और जहाँ वे परिपक्व होते हैं तो जो है थाइमस कहलाता है, ना कि प्लीहा। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो है केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, पहला वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में इम्यून इम्प्रिंटिंग पद का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे 77 में देखा जाए तो इसका तात्पर्य है कि शरीर में सामने आए पहले प्रकार के आधार पर अपनी प्रतिरक्षा प्रक्रिया को दोहराने की जो है प्रवृत्ति को जो है इम्यून इम्प्रिंटिंग कहा जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित खनिजों पर विचार किया जाए। पहला है टाइटेनियम, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा है वेनेडियम, चौथा है ताम्र, पाँचवा है ग्रेफाइट। तो उपर्युक्त में से कितने जो है भारत सरकार द्वारा निर्गत 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का हिस्सा है? तो यहाँ पे देखा जाए 78 में तो यहाँ पे जो है चार जो है इसके हिस्से हैं, ठीक है। इसमें 30 जो है महत्वपूर्ण जो है खनिजों का जिक्र किया गया है, जिसमें जो है जिसमें देखा जाए तो एक जो है टाइटेनियम का जिक्र है और जो है वेनेडियम का जिक्र है और जो है ग्रेफाइट का जिक्र है और जो है यहाँ पे
यहाँ पे ताम्र का जिक्र है, लेकिन स्वर्ण का जिक्र नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित संवेदकों पर विचार करें। तो चार संवेदक दे रखे हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने संवेदक आमतौर पर स्वास्थ्य अनुपथक में प्रयोग किए जाते हैं। तो 79 में सही जवाब है सभी चारों, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, डिजिटल ट्विन निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है। तो यहाँ पे 80 में देखा जाए तो डिजिटल ट्विन जो है किसी भौतिक वस्तु या प्रणाली की आभासी प्रतिकृति को जो है संदर्भित करता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, एलोरा गुफाओं का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे 81 में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, चेनोजेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है, यह आमतौर पर प्रेरी और पंपास जैसे समशीतोष्ण घास के मैदानों में पाया जाता है। दूसरा कथन है, इसमें जो है ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है और कैल्शियम आयन मृदा के कणों से आबंधित होते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 82 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया जाए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ हिमनद है। तो यहाँ पे देखा जाए 83 में तो यहाँ पे एक तो पहला नुब्रा के सामने सियाचिन, ये सही है, और जो है दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि यमुना नदी का जो उद्गम है वह यमुनोत्री के ठीक ऊपर बंदर पूंछ ग्लेशियर से होता है, और अलकनंदा का स्रोत जो है बद्रीनाथ के ऊपर अलकापुरी हिमनद से होता है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला सही था, और मंदाकिनी वाला है तो मंदाकिनी का उद्भव स्थल केदारनाथ मंदिर के ऊपर सुमेरु हिमनद है, तो यह भी सही है। अगला है चिनाब है, तो चिनाब का उद्गम जो है भारा सिगरी हिमनद चिनाब नदी को जल प्रदान करता है, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो यहाँ पे तीन युग में जो है सही सुमेलित है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, भारत की आज़ादी से पहले इस राष्ट्रीय उद्यान को कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। उद्यान के भीतर ही 2000 वर्ष पुरानी कन्हेरी गुफाएं हैं। यह उद्यान भीड़भाड़ वाले शहरी वातावरण के मध्य स्थित है और चीतल रीसस मकॉक और बोनट मकॉक एवं तेंदुओं का भी निवास स्थान है। इसमें पक्षियों की 274 प्रजातियां, स्तनधारियों की 35 प्रजातियां, तितलियों की 170 प्रजातियां, वृक्षों की 1300 से अधिक प्रजातियां हैं। गांधी टेकड़ी उद्यान के अंदर एक पसंदीदा पर्यटक स्थल है जो आकर्षण का केंद्र है। यह एक पहाड़ी है जिसका नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया है। तो उपर्युक्त वर्णित उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे 84 में देखा जाए तो इस उद्यान का नाम क्या है, इस उद्यान का नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसको पूर्व में कृष्णागिरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था। इसका जो क्षेत्रफल है 20.26 वर्ग किलोमीटर है और वर्ष 1969 में उद्यान के साथ लगे हुए विभिन्न आरक्षित व जो है वन संपत्तियों का अधिग्रहण करके उद्यान को जो है सरकार द्वारा विस्तारित किया गया। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, 19वीं सदी के संबंध में द व्हाइट म्यूनिटी संदर्भित करती है। तो यहाँ पे जो है 85 में देखा जाए तो यह जो है ब्रिटिश सेना का अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से काम करने वाले यूरोपीय सैनिकों ने इंग्लैंड की रानी की सेवा में अपने स्थानांतरण के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, उसी के संदर्भ में द व्हाइट म्यूनिटी जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, इलेक्ट्रॉनिक मृदा यानी ई सॉइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है, यह कृषि की जलीय प्रणाली के लिए सहायक होगा। दूसरा कथन है, यह सेल्यूलोज और एक जो है जैव बहुलक से बना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 86 में देखा जाए तो दोनों कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, ओबिलिस्क पद जो है वो हाल ही में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में जन समाचारों में रहा है। तो यहाँ पे 87 में देखा जाए तो यह जो है मानव आंत और मुंह में जो है विषाणु का खोजा गया एक जो है नया नामित वर्ग है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। 87 का यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88,
विश्व की प्रवासी प्रजातियों की स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है, इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरा कथन है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में सूचीबद्ध लगभग सभी मछलियों के विलुप्त होने का खतरा है। तीसरा कथन है, प्रमुख जैव विविधता वाले लगभग आधे क्षेत्रों को संरक्षित दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो 88 में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, दूसरा तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है, यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ द्वारा सहभागी पहल है। दूसरा कथन है, इसे दुबई में जो है UNFCCC COP28 में प्रारंभ किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 89 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों कथन सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, अनिषेक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है, यह अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है। दूसरा है, यह पादपों में नहीं होता है। तीसरा है, यह केवल अकशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। तो अकशेरुकियों में नहीं। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 90 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि अनिषेक जनन जो है अलैंगिक पशुओं और पादपों में पाया जाता है, तो इसलिए दूसरा गलत है और तीसरा भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, पहला वाला, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, अमृत जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने यह तकनीक विकसित की है। दूसरा कथन है, प्रौद्योगिकी नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है और इसका उपयोग भूजल को शुद्ध करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा है, यह ब्लैकफुट रोग को रोकेगा। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 91 में देखा जाए तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, एक तो जो है दूसरा, एक तीसरा, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसको जो है मद्रास की IIT द्वारा शुरू किया गया है, ना कि बेंगलुरु की। तो ये गलत है, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, एक प्रोजेक्ट है प्रयास, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रयास है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यह जो है भारतीय श्रमिकों और छात्रों को सुरक्षित व्यवस्थित और जो है नियमित विधि से प्रवास में मदद करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, राइजोबियम सहजीवी समुद्री खरपतवार नील हरित शैवाल। तो उपर्युक्त में से कितने जैव उद्दीपक हैं? तो यहाँ पे 93 में देखा जाए तो ये सभी जैव उद्दीपक हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। समझ लेते हैं, जैव उद्दीपक वे उत्पाद हैं जो उर्वरकों की आवश्यकता को कम करते हुए पादपों की वृद्धि, जल और जो है अजैव प्रतिबलों के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ाते हैं, और कम सांद्रता में ये पदार्थ कुशल होते हैं जो पादप के विकास संबंधी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के प्रदर्शन में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, सहभागिता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है, इसे स्थानीय रोजगार सृजन और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए गाँव में महिलाओं को स्वयं सहायता में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया है। दूसरा कथन है, इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 94 में देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, क्योंकि दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, ऊर्जा संक्रमण त्वरक कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे अमेरिकी विदेश विभाग ने द रॉक फेलर फाउंडेशन और बेजोंस अर्थ फंड के साथ शुरू किया। दूसरा कथन है, यह कॉरपोरेट जलवायु कार्रवाई के माध्यम से ग्लोबल साउथ में निजी पूंजी को प्रसारित करने का एक अभिनव दृष्टिकोण है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 95 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है
पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित स्थल रूपों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वायु दृष्टाश्रम रेत क्षेपण के कारण निष्कासित गुटकाएँ हैं। दूसरा कथन है इंसेलबर्ग समतल धरातल से आकस्मिक रूप से जो है उत्थानित पृथक अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 96 में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे दोनों कथन सही होंगे, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, लिथियम निक्षेप के संदर्भ में हाल ही में जन समाचारों में रहा कैटामार्का प्रांत किस देश में अवस्थित है? तो यहाँ पे 97 में देखा जाए तो ए ऑप्शन सही है, अर्जेंटीना में अवस्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन फसल गहनता पद की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो यहाँ पे देखा जाए 98 में तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है कि इसका तात्पर्य एक कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत में कई फसलों की खेती से है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, पेट्रोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कच्चा पेट्रोलियम तृतीयक कल्प की औषधीय शैलों में पाया जाता है। दूसरा कथन है कि डिगबोई बाजार आधारित तेल शोधन कारखाने का एक उदाहरण है और बरौनी क्षेत्र आधारित तेल शोधन कारखाने का एक उदाहरण है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 99 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, दूसरा गलत हो जाता है यहाँ पे 99 में, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 100, हल्दी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। पहला कथन है भारत विश्व भर में हल्दी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा कथन है हल्दी और अदरक एक ही प्रजाति से संबंधित है, ये करकुमा लोंगा पौधे की जड़ से प्राप्त होते हैं। तीसरा है हल्दी को पीला रंग बीटालेंस नामक रंग द्रव से प्राप्त होता है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 100 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है भारत विश्वभर में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता और निर्यातक है और वर्ष 2022-23 में 11.61 लाख टन जो है हल्दी उत्पादन के साथ भारत में जो है लगभग 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे पहला पायदान पे होना चाहिए भारत को, ना कि दूसरा। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है तो यहाँ पे दूसरा सही है स्टेटमेंट, तीसरा भी सही है। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो दो स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही दृष्टि IAS का 24 नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम ऑफ ओविया यूट्यूब चैनल।